देखिए, निसंतानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कोई दंपति गर्भवती होने में असमर्थ होता है। ये पुरुष या महिला दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ऐसी प्रॉब्लम है जिसके वजह से 12 महीने वो साथ ही रहते हैं, जिसमें वो कोई भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करते हैं और रेगुलर इंटरकोर्स के बावजूद भी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसकी मुख्य समस्या क्या है मैडम, किस वजह से होती है? देखिए, निसंतानता के कई सारे कारण हैं जो कि पुरुष और स्त्री दोनों में ही सामान्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि महिलाओं में हो सकता है कि उनके अंडे बनने में प्रॉब्लम होती हो या फिर अंडे कम हो गए हो। कई बार हमारे जो फलोपियन ट्यूब्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं या ख़राब होते हैं, या फिर बच्चेदानी में कोई गठान सूजन या एंडोमेट्रियोसिस हो आपको, और पुरुषों में उनकी स्पर्म की मात्रा कम हो या फिर स्पर्म की जो चलित या गुणवत्ता है वो कम हो, तो इस ये सारे कारण हैं जिसके वजह से निसंतानता हो सकता है। देखिए, इसका पहले तो मैं इसके बचाव के बारे में भी कहूँगी कि आजकल क्या हो गया है कि सबकी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, जिसके कारण लोग अपने ऊपर ध्यान देना कम कर दिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट निसंतानता में उम्र का होता है, एक महिला की उम्र का बहुत बड़ा रोल है। तो आज कल क्या हो गया है कि जब तक हमारी शादी होती है, हम स्टेबल होते हैं, तब तक हमारा एज काफ़ी बढ़ गया होता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही समय पर प्रेगनेंसी प्लान करें, और दूसरा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हमारी ख़राब जीवन शैली भी बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है निसंतानता का, जैसे कि पुरुषों में स्मोकिंग करना, गुटखा, ये सब तम्बाकू का सेवन करना, ये सबसे उनके स्पर्म्स काफ़ी डैमेज होते हैं। और फीमेल्स भी, जैसे कि अगर वो बाहरी खाना जंक फूड वगैरह का ज़्यादा उपभोग करते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो ये सारे भी कारण होते हैं। देखिए, अगर मैं इसका जवाब दूँ तो ऐसा लगेगा कि कोई दादी अम्मा बात कर रही है, पर सही मायने में तो प्रेगनेंसी करने का सही एज लेट 20s एंड अर्ली 30s ही होता है, 20 से 30 वर्ष, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो अंडे होते हैं वो समय के साथ उनकी मात्रा कम होती जाती है और उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती जाती है, और वो 35 साल की उम्र के बाद तो और ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप यंग एज में कोशिश करते हैं तो उस समय प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्या है कि यंग एज में प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ भी निकलती है। आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मिसकैरेज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें भी आने लगती है। और ना कि सिर्फ एग का प्रॉब्लम है, एज के साथ हमारे यूट्रस में भी प्रॉब्लम आते हैं। यूट्रस में गठान होना, सूजन होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसलिए सही समय 20 से 30 के बीच ही होता है। देखिए, IVF की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जबकि हो सकता है कि आपकी दोनों ही नलियाँ, फलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो दोनों ही बंद है या दोनों ही ख़राब हो। हमारे देश में TB, PID बहुत कॉमन है, और ये दोनों बीमारियों में ही फैलोपियन ट्यूब्स बहुत अफेक्टेड होते हैं। आप कई बार देखोगे कि लोगों को पता भी नहीं होता है पर उनके दोनों ट्यूब में पानी भरा हुआ है या दोनों ट्यूबें बंद है। तो ये एक ऐसे कंडीशन है जिसमें आपको प्रेगनेंसी IVF के ही थ्रू हो सकती है। और दूसरा है कि अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स काउंट काफ़ी कम है, उसकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी कम है, आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, आपके अंडे कम हैं, और आपके ऊपर दूसरी ट्रीटमेंट जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन, IUI वगैरह सब फेल हो चुके हैं, एडवांस स्टेज एंडोमेट्रियोसिस है आपको, तो ये सारी कंडीशन है जिसमें IVF की हमें ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मिथ है IVF के बारे में। IVF इज़ अ वेरी पेनलेस एंड सिंपल प्रोसेस। IVF के दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, एक है ओवम पिकअप जो कि एनेस्थेशिया मतलब कि बेहोशी में होती है, और दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो कि इतना सिंपल है कि उसमें बेहोशी लगती ही नहीं है, तो IVF पेनफुल तो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा पुरुष जिसका 0% जी, डेफिनेटली येस। देखिए, सीमेन रिपोर्ट में अगर आपका 0 स्पर्म काउंट आया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके बॉडी में स्पर्म्स नहीं बन रहे। हो सकता है कि स्पर्म्स बन रहे हो पर उनके रास्ते में मतलब उनके पैसेज में, बाहर आने के पैसेज में कोई रुकावट है, कोई ब्लॉकेज है, या फिर वो उतनी मात्रा में नहीं बन रहे कि वो बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म लेते हैं, जिसे कि हम टैसा प्रोसीजर कहते हैं, और स्पर्म वहाँ से लेके और IVF के थ्रू हम उन्हें बायोलॉजिकल पेरेंट्स बना सकते हैं, बायोलॉजिकल फादर बना सकते हैं। ये सारे प्रोसेस में खर्चे भी आते होंगे? जी जी, IVF में खर्चे कितने आ जाते हैं?
देखिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि उसमें खर्चा नहीं आता है, डेफिनेटली खर्चा आता है, बट IVF बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। अगर हम उसकी सक्सेस की बात करें तो जितने भी ट्रीटमेंट है, ओवुलेशन इंडक्शन कह लीजिए या IUI कह लीजिए या लेप्रोस्कोपी कह लीजिए, जो भी है उसमें, उससे अगर आप IVF को कंपेयर करते तो IVF का सक्सेस लगभग 50% तक हो जाता है, 40-50% तक, और वहीं IUI वगैरह में 10-15% तक रहता है। तो अगर आप 3-4 साइकिल IUI करा लिए तो उसमें आपका एक IVF साइकिल का खर्चा निकल जाता है। जी जी डेफिनेटली कर सकता है वो। इसके बारे में काफ़ी गलत धारणाएं हैं कि ये बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, और पहले के कंपेयर में चीज़ें और भी इकोनॉमिकल हो चुकी हैं, तो आज के डेट में IVF अफोर्डेबल है। और इसके साथ साथ इसमें जो प्रतिशत होता है वो भी लगभग 50-60% उम्मीद होती है। जी जी, अगर आप सही समय पे पहुंच रहे हो, जैसे कि आप यंग एज है और आपकी एग काउंट वगैरह अच्छे हैं, तो ये बहुत, मतलब 50% तक भी एक साइकिल का सक्सेस होता है। यही चाहिए मैडम कि सबसे पहले वो समय का ध्यान रखें कि ज़्यादा उम्र ना हो। जी जी, कई बार आप ऐसे एज में आते हो कि हम भी आपका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए अभी जो ARTI लॉ है उसके अकॉर्डिंग महिला की उम्र 50 साल तक ही हम उनको IVF की सर्विसेज दे सकते हैं। 51 में अगर कोई आता है तो हम चाह के भी उसका IVF नहीं कर सकते।